ठीक होंगे। और गाइस आज है आपका डे 4, आज होगा ताड़का वध। तो फॉरवर्ड चलते ग्राउंड पे आपको ताड़का वध दिखाते हैं। और जिसने अभी तक पिछले 3 व्लॉग नहीं देखे तो जाके फॉरवर्ड जाके मैंने प्लेलिस्ट बना दी है बजरंग रामलीला 2024 या सी। और बेल आइकन जो जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया चैनल सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को ऑल पे कर लेना क्योंकि रोज 1 बजे करीब वीडियो आती है रामलीला की। तो फटाफट जाके वीडियो को प्यार दो और लाइक करो कमेंट करो और सब दोस्तों को शेयर करो। अब चलते ग्राउंड में और आपको दिखाते हैं आज की लीला ताड़का वध। चलो आपने मुझे हमारे चारों भाइयों को सारे ज्ञान और मत की शिक्षा दे दी। अब हमारी इच्छा है कि आप हमें शास्त्र के बारे में भी कुछ ज्ञान देते बेटे बड़ी कृपा हो। अवश्य अवश्य बेटा राम अवश्य। मैं भी यही सोच रहा था सारा ज्ञान तो हो गया लेकिन अभी धनु विद्या वगैरह आपको नहीं सिखाया। अवश्य आपने बहुत अच्छा किया। चलिए पहले आपको हम आपको धनु विद्या सिखाते कृपा कुछ और अयोध्या से महाराज दशरथ से राम और लक्ष्मण को मांग कर ले आता हूँ। तुम्हारी ये जगह इतनी गंदी क्यों है? राजकुमारी जी यह धनुष जो है ना बहुत पुराना है। महाराज जनक जी इन्हें कितने वर्ष पहले 88,000 गंधर्व के द्वारा यहाँ पर आए थे। तब से इसे कोई हिला डोला नहीं सका इसलिए ये जगह पूरे कंकर से भर जाते हैं। बस इतनी सी बात। हाँ मैं अभी साफ कर देती हूँ।
पतंजा चढ़ाएगा उससे मैं अपनी पुत्री सीता का विवाह करूंगा। शिवर के चरणों में दशरथ का प्रणाम स्वीकार हो। महाराज हम ऋषि महात्मा जब जंगल में तपस्या करते थे तो कुछ राक्षस आकर उपद्रव करता थे, इसलिए मैं आपके पास आया हूं। हे महाराज मैं यज्ञ जिस समय करता हूं, वो दुख निश्चर मुझको देते हैं। पूजा सामग्री हवन कुंड सब नष्ट भ्रष्ट कर देते हैं। असुरों के अत्याचारों से भय पाकर मैं घबराया हूँ। रक्षा सहायता को चीजे मैं तुमसे लेने आया। हाँ महाराज इसी याचना के लिए मैं आपके पास आया हूँ, क्योंकि मैं प्रतिज्ञा कर चुका हूँ कि राक्षस के ऊपर अपना हाथ नहीं उठाऊंगा, इसलिए मैं विवश हूँ महाराज। हे मुनिवर दोनों बालक हैं, भोले भाले नादान मेरे, पर विद्या नहीं जानते वो लड़ने में अभी नादान। काज काज संपत सेना ये सब देना जुगार नहीं, आप क्या हो तो मैं चला चलूं इसमें भी कुछ इनकार नहीं। विष्णु से कहता मैं तो जल दे के छोड़ जरूर वाहन, शिव से फरियाद अगर करता तो हिल जाता उनका भी। जब मैं आपके दर पर आया था तो आप चरण पखार कर चरणामृत लेकर और मेरा पूजन किया था, और इतनी सी बात सुनकर आप इतने संकोच में पड़ गए। महाराज लखन कर साथ में रहे ना ही तो गई हो, चाहे दोषाप चाहे राज का विनाश करो, चाहे इस दशरथ को भेजो सुखदान को, गिरी पे गिराओ चाहे जल में डुबाओ, या अग्नि में जलाओ या भेजो दुर्धाम को, धन दही हो धाम दही हो तन का सब जाम दही हो, पर दही हो ना एक प्राण को। मैं अपने तप के बल से राम ऋषि से ब्रह्म ऋषि का पदवी पाया हूँ, और तुम मुझे दुख समझते हो। शांत अपने चेहरे को शांत करो। शांत हुआ है क्या हर चीज यज्ञ के लिए यज्ञ की रक्षा के लिए उनके साथ जाए कैसी आप कभी के लिए चिंता न करो, मैं आपके सुकुमारों से विद्या में निपुण करके ही आपके पास लाऊंगा। आराम से
राम स्त्री को मारना पाप। है कि नहीं
मंत्री जी के पास स्वयं चलता हूं। चलिए मंत्री जी।
विश्वामित्र महामन्ना समाचार किस भाग्यवान के बालक हैं, इनमें कुछ शक्ति अलौकिक है जो मुझे दिखाई पड़ता है। इनको देखे से महाराज मन ब्रह्म मनन से हटता है। तब तक ही बंधी सी जाती है, कुछ ऐसा अद्भुत लेह हुआ। कहते हैं लोक विदेह मुझे, पर मैं तो आज विदेह हुआ। हे महाराज, ये अयोध्यापति महाराज दशरथ के पुत्र राम और ये लक्ष्मण हैं। अपने जग की रक्षा के लिए दोनों भाई को अयोध्या से मैं महाराज दशरथ से मांग कर ले आया। मेरे जग का रक्षा किए हैं, रास्ते में तारिका का वध किए हैं, मारी सुबाहु पर विजय प्राप्त करके मेरे यज्ञ का पुनराहुति करके और आपके धनुष यज्ञ देखने के लिए जनकपुर आए। ठीक है ऋषिवर, हो रही देव गुरु पूजा।